Hello guys, welcome to Tech Study Time. My name is Priyanka Verma. I'm going to start with the current affairs of 4th May 2019. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, और ये करंट अफेयर्स की वीडियो आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। So, चलते हैं आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच कलर ऑफ नंबर प्लेट्स हैज बीन मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया? आंसर इज ग्रीन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मैंडेटरी कर दिया है, जो उनकी नंबर प्लेट होगी वो होगी ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की नंबर प्लेट्स का जो फॉन्ट होगा प्राइवेट कार्स के लिए होगा व्हाइट कलर का, और जो कमर्शियल व्हीकल्स और टैक्सीज हैं उनका जो फॉन्ट होगा वो होगा येलो कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज द बिगेस्ट रिसीप्ट ऑफ फंड्स फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक इन ईयर 2018? आंसर इज इंडिया। 2018 में एशियन डेवलपमेंट बैंक से सबसे ज्यादा फंड लेने वाली कंट्री कौन सी बनी है? उसका नाम है इंडिया। 2018 में इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है 3 बिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स का। इंडिया ने यूएस डॉलर 3 बिलियन का सोवन लोन लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और वो लिया है 2018 ईयर में। अब बात आती है एडीबी की। एडीबी का हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। एडीबी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1966 में, और एडीबी के प्रेसिडेंट हैं ताकि ही को नकाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व्ड? आंसर इज May 3। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल मनाया जाता है 3 मई को, और ये फर्स्ट टाइम बनाया गया था 1993 में, और ये स्टार्ट किया था यूएन जनरल असेंबली ने, और ये रिकमेंड किया था यूनेस्को ने, और ये दिन प्रेस की स्वतंत्रता के लिए मनाया जाता है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2019 की थीम है मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शंस इन टाइम्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और चीज पे बात करेंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन से कंट्री टॉप पे है? तो वो है नॉर्वे, सेकेंड नंबर पे है फिनलैंड, और थर्ड नंबर पे है स्वीडन, और इंडिया है 140th रैंक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग 2017-18? आंसर इज नीदरलैंड। नीदरलैंड इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाली तीसरी कंट्री बनी है, और पहले नंबर पे है मॉरिशियस, और दूसरे नंबर पे है सिंगापुर। नीदरलैंड ने 2017-18 के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो किया है 2.67 बिलियन डॉलर्स। अब बात आती है नीदरलैंड की। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, और नीदरलैंड की करेंसी है यूरो और यूएस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड ट्यूना डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड ट्यूना डे हर साल मनाया जाता है 2 मई को, और ये स्टार्ट किया गया था 2017 से। और ट्यूना एक फिश है जो कि सॉल्ट वाटर में रहती है, एंड वर्ल्ड ट्यूना डे इज सेलिब्रेटेड to highlight the importance of tuna fish to the marine ecosystem. और World Tuna Day को celebrate किया जाता है sustainable fishing को बढ़ावा देने के लिए भी। So हर साल 2 मई को मनाया जाता है World Tuna Day, और ये first time मनाया गया था 2017 में। Next question, the parliament of which country has become the first in the world to declare environment and climate emergency? Answer is UK. UK country दुनिया की पहली ऐसी country है जिसने declare की है environment and climate emergency. अब बात आती है यूके की। यूके की कैपिटल है लंदन। यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस? आंसर इज सैयद अकबरुद्दीन। सैयद अकबरुद्दीन जो कि इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस है, इन्होंने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट भी डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैड पुट अ होल्ड ऑन डेजिग्नेशन ऑफ मसूद अजहर as a global terrorist by UN? Answer is China. China ने मसूद अजहर को global terrorist declare करने के लिए hold पे रखा हुआ था, और 2009 में भी मसूद अजहर को terrorist declare किया गया, पर फिर भी China ने इसको hold पे रखा, और उसके बाद ये बात फिर से 2016 में हुई तो भी इस चीज को neglect किया गया, और 2019 में finally मसूद अजहर को global terrorist declare किया गया। अब बात आती है चाइना की। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी, और चाइना की कैपिटल है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब? आंसर इज कुमार संकारा।
कुमार संगकारा जो कि श्रीलंका के कैप्टन रहे हैं उनको अब प्रेसिडेंट बना दिया गया है मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब का और वो ये रोल लेंगे 1 अक्टूबर 2019 को। जैसे कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब ये है इंडिया का, वैसे ही मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब ये है इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन हैज टेकन ओवर विच कंपनी टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट फोन मेकर इन द वर्ल्ड? आंसर इज एप्पल। हवाई कंपनी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में एप्पल कंपनी को टेक ओवर करके सेकेंड नंबर पे आ गई है और फर्स्ट नंबर पे है सैमसंग, सेकेंड नंबर पे है हवाई और थर्ड नंबर पे है एप्पल। ये है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स बनाने वाली कंपनी है सैमसंग और दूसरे नंबर पे है हवाई और तीसरे नंबर पे है एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेयर टू विन गोल्ड एट अली अलियव रेसलिंग टूर्नामेंट इन मैन 65 kg फ्री स्टाइल इवेंट। आंसर इज बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जो कि इंडियन रेसलर हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अली अलियव रेसलिंग टूर्नामेंट के अंदर जो कि जीता है मैन 65 kg फ्री स्टाइल इवेंट के अंदर। और अली अलियव रेसलिंग टूर्नामेंट ये हुआ था रशिया में और रशिया में ये हुआ था कैस्पिस्क में और इससे पहले बजरंग पुनिया ने एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि हुई थी चेन्नई में वहां पे भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एशियन यूथ वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2019 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? आंसर इज जयपुर। एशियन यूथ वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2019 ये होगी जयपुर में और ये होगी 21 अगस्त से लेके 30th तक और ये इस चैंपियनशिप का 8th एडिशन है और इसके अंदर 10 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है और जयपुर है राजस्थान में और राजस्थान पहली ऐसी स्टेट है जहां पे पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसीव्ड द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड चेवेलियर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर रिसेंटली? आंसर इज एएस किरण कुमार। एएस किरण कुमार जो कि फॉर्मर चेयरमैन है इसरो के और इनको मिला है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम है चेवेलियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। और बात आती है इसरो की, इसरो की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1969 में और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड उद्यम अ स्केल सेंटर इन बेंगलुरु? आंसर इज एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है उद्यम जो कि एक स्किल सेंटर है बेंगलुरु के अंदर ये लॉन्च किया है और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने ये लॉन्च किया है विद द एसोसिएशन ऑफ लोक भारती एजुकेशन सोसाइटी जो कि एक इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है उसके साथ मिलकर ये लॉन्च किया है उद्यम अ स्किल सेंटर और ये ओपन किया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? आंसर इज जयश्री व्यास। बीएससी ने अपॉइंट किया है फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर जिनका नाम है जयश्री व्यास और बीएससी की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है और ये वर्ल्ड में 10th नंबर की लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और बीएससी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1975 में और बीएससी के चेयरमैन है एस रवि। सो चलते हैं कल के क्वेश्चन पे। कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था, द न्यू रुपीज 20 डिनोमिनेशन बैंक नोट has a motif of dash on the reverse depicting the country's cultural heritage. तो इसका आंसर था ऑप्शन ए इलोरा केव्स। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, इंडिया हैज won डैश मेडल्स एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ऑप्शन ए इज 13, ऑप्शन बी इज 16, ऑप्शन सी इज 22, ऑप्शन डी इज 8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन।